हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब सा लौकी का हलवा। और ये हलवा स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही सेहतमंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। दोस्तों लौकी का हलवा बनाने के लिए हमने लिया है ये 3 कप के लगभग दूध है, और इसे हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। ये पहले से गर्म है पर अब इसे हम गाढ़ा कर लेते हैं। तो हलवा बनाने के लिए हमने एक लौकी लिया है और ये वज़न में लगभग 800 ग्राम के लगभग है। तो सबसे पहले हम इसे छील के इसका छिलका हटा देते हैं। तो इसके लिए हम लौकी को 2 पार्ट में कर देंगे और इसका टॉप वाला हिस्सा हटा देंगे। दोस्तों जब टॉप वाला हिस्सा हटाते हैं तो इसे आप टेस्ट कर लीजिए। कभी कभी लौकी जो है कड़वी आती है, तो उसे तो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। चाहे हलवा बनाना हो या सब्जी बनाना हो या खीर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो। तो इसे हम छील लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने लौकी को छील के साफ कर लिया है और इसे हमने पानी से अच्छे से धो लिया है। तो अब इसे हम फिर से 2 भाग में काट देते हैं। और अब इस तरीके का हमने कद्दूकस लिया है, तो ये बीच वाला हिस्सा छोड़ के साइड साइड का हिस्सा हम कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से बीच वाला हिस्सा छोड़ देंगे। और दोस्तों यहाँ पे दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, तो आंच को मीडियम रखेंगे और इसे रुक रुक के चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है और ये बीच वाला हिस्सा जो है उसे हटा दिया है। तो अब चलते हैं हम लौकी का हलवा बनाने। दोस्तों गैस पे हमने रख दिया है कढ़ाई, तो कढ़ाई गर्म हो चुका है। डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी और अब इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस की हुई लौकी और इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। आंच को मीडियम रखेंगे और इसे चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का लौकी सॉफ्ट होने लगा है और बस इस तरीके से इसे हम चलाते रहेंगे। ये भूनता जाएगा और ये पक भी जाएगा। तो एक प्लेट लेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए जब हमने ढक्कन हटाया है तो ये बिल्कुल ही लौकी सॉफ्ट हो चुकी है और इसका पानी भी सूख चुका है। तो यानी लौकी हमारी भून के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें गर्म किया हुआ दूध मिला देते हैं। दोस्तों अब इसे हम लगातार चलाएंगे। और बहुत लोगों की शिकायत होती है कि लौकी का हलवा बनाते समय दूध डालने पर फट जाता है, पर इस तरीके से आप अगर लौकी का हलवा बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। बस इसे ये जो खास तरीके हैं इसे आप देखते जाइए और इसी तरीके से बनाइए। और दोस्तों अगर इससे भी ना बने तो आप जब दूध गर्म करते हैं ना, तो उसमें 1 चुटकी सोडा डाल दीजिए, मीठा सोडा। और यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम फ्रेश मलाई। आप अगर मलाई मिलाना चाहें तो मलाई मिला लीजिए या फिर मिल्क पाउडर मिला लीजिए। अगर दोनों ना मिलाना चाहें तो थोड़ा सा दूध ज़्यादा लीजिए और उसे ज़्यादा गाढ़ा कर लीजिए, तो मतलब बिल्कुल एकदम मावा बना लीजिए। तो इस तरीके से भी लौकी का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे देखिए चलाते चलाते ये जो हलवा है, मतलब मिश्रण है लौकी का, ये बिल्कुल भी सूख चुका है और ये बिल्कुल मावा जैसा टेक्सचर आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 7-8 चम्मच चीनी। ये खाने वाले चम्मच से 7-8 चम्मच चीनी हमने लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो इसमें 2 चम्मच चीनी और मिला लीजिए, पर इतना चीनी बहुत ही परफेक्ट है। और दोस्तों इस तरीके से देखिए चलाते चलाते ये चीनी डालने के बाद से ये कलर बिल्कुल खिल गया है। और अब इसमें हम डाल देंगे 4-5 कुटी हुई फ्रेश इलायची। इलायची पाउडर की अपेक्षा इलायची कूट के डालें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों अगर आप इसे किसी मेहमान के, खास मेहमान के सामने सर्व करना चाहते हैं तो इसमें 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर मिला दीजिए। कलर बहुत ही प्यारा आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और इसे बनाइए और कमेंट करके बताइए कि हलवा कैसा बना है। गैस को बंद कर दिया है हमने और ठंडा होने के बाद इसे सर्व करने चलते हैं। और अब इसे हम अपने मन पसंद ड्राई फ्रूट से इसे हम गार्निश कर देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।